हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये नई वीडियो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो एसवेल के स्टूडेंट्स हो, एनसीवैप के स्टूडेंट्स हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो। अगर उनके पास में पॉलिटिकल साइंस का विषय है तो सेकंड सेमेस्टर में ये उनके एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हमने यूनिट नंबर 7 से लिया है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर का नाम बता दूं, स्वतंत्रता के पश्चात भारत के विकास की कार्यनीति, कि भाई भारत के विकास की आज़ादी के बाद क्या कार्यनीति रही है, इसके बारे में क्वेश्चन है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और साथ ही साथ योजनाबद्ध अर्थव्यवस्थाओं एवं नव उदारवाद, ये पूरा चैप्टर है कि भाई योजना इसमें, क्योंकि जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसमें योजनाओं का और योजनाओं आयोगों का किस प्रकार से आयोग बने हैं हमारे फाइनेंशली हमारे देश को स्ट्रांग बनाने के लिए, हमारे देश की इकोनॉमी को, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग बनाने के लिए, इन सब कॉन्सेप्ट के बारे में भी हमारे इसके बारे में पढ़ना है। इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए है। ये इंडिया की इकोनॉमी से डायरेक्टली रिलेट करने वाला चैप्टर है, ये आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सो गाइस, सबसे पहले आपको इस अध्याय के अंदर क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि विकास के संबंध में भारत के भावी दृष्टि का संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले आपको ये पढ़ना है कि भाई भारत के अंदर आने वाली पीढ़ी विकास को लेकर अपना क्या नज़रिया रखती है, या विकास उन लोगों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आपको ये पढ़ना है डेवलपमेंट को लेकर। देन सेकेंड चीज़ आपको इसके अंदर क्या पढ़नी है कि आज़ादी के पूर्ण संध्या पर चर्चा, यानी इसमें आज़ादी के बाद हमें किस प्रकार की डेवलपिंग इकोनॉमी को एक्सेप्ट करना था, हमें कैपिटलिज्म को अपनाना था या सोशलिज्म, यानी हमें पूंजीवाद को अपनाना था या साम्यवाद को अपनाना था, एक इसके बारे में भी इस पर चर्चा किया गया है। इसके बाद विकास की विभिन्न परिभाषाएं, विकास की क्या क्या परिभाषाएं, अलग अलग लेखकों ने इसे अलग अलग प्रकार से परिभाषित करने की कोशिश करी है, तो वो अलग अलग प्रकार की परिभाषाएं और विकास के अलग अलग मॉडल, कौन कौन से हमारे सामने विकास के मॉडल है। इसके अलावा योजना का संक्षिप्त इतिहास, भी योजना का हमारे जीवन में क्या इतिहास है, क्या इतिहास नहीं है। इसके बाद योजना आयोग और बाद में नीति आयोग, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके एग्ज़ाम में, एक तो ये। और इसके साथ साथ आपको ये भी इसमें देखना है कि नियोजन में, यानी हमारे देश की जो योजना है इसको बनाने में हमारी सरकार का, राज्य का क्या भूमिका होता है, यानी गवर्नमेंट का क्या इम्पोर्टेंस है इस चैप्टर के अंदर, कि भाई विकास डेवलपमेंट ग्रोथ को हमारी किस प्रकार से ये प्रभावित करती है, एक ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के अंदर। इसके बाद अगला एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या पढ़ना है, भारत और विश्व के विभिन्न भागों में योजनाओं का अनुभव, यानी इंडिया में और विश्व के अलग अलग देशों में, अमेरिका में या और देशों में डेवलपमेंट को लेकर क्या मानसिकता है, क्या मानसिकता नहीं है, इसके बारे में हम इस चैप्टर के अंदर भी बात करेंगे। इसके साथ साथ योजनाओं के विकास का क्या क्या चरण है, यानी हमारे देश में विकास किस किस फेजेस में हुआ, हमारा फर्स्ट फेजेस क्या था, सेकंड फेजेस क्या था, थर्ड फेजेस क्या था, यानी अगर हम देखें तो हम इसके अंदर पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले, तो ये भी आएगा। इसके बाद भारत के अंदर आर्थिक संकट कब कब आए, क्या क्या कारण थे और उन आर्थिक संकटों का क्या क्या विवादास्पद रहा है, इसके बारे में भी हमें इसके अंदर पढ़ना आएगा, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नव उदारवाद, ये नव उदारवाद कब आता है, वैश्वीकरण भारत ने किस परिस्थिति में कब क्यों अपनाया और वैश्वीकरण अपनाने से भारत को क्या लाभ हुए, तो ये तमाम तरह के कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आपको इस चैप्टर के अंदर अवश्य डील करनी है। और इस चैप्टर को जब आप हम एक साथ पढ़ेंगे, एक साथ समझेंगे इसको, तो आपको किन पॉइंट्स को कब हाईलाइट करना है, कहाँ से क्या चीज़ें आपको नोट्स बनाने टाइम लिखनी है, इस चीज़ को ज़रूर आपको ध्यान रखना है। हम लोग आप लोगों के लिए नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। साथ ही साथ कुछ और भी यूज़फुल वीडियो के लिंक्स हैं आप लोगों के लिए, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप हमारे दूसरे स्टडी चैनल जिसका नाम है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस, आप उस पर भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हमने अभी चर्चा करने की बात की थी कि भाई स्वतंत्रता के
पूर्व संध्या की चर्चा, इसमें बात करेंगे। यानी जब जैसे ही 1947 को भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमारे सामने किस प्रकार की परिस्थिति होगी, ज़्यादातर जो राजनेता थे, ज़्यादातर जो हमारे पॉलिटिशियन थे, वो किन मुद्दों को लेकर ज़्यादा डील करने की कोशिश कर रहे थे, क्या ऐसे विषय थे, क्या ऐसी बातें थी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उस टाइम पर हमें देखने को लग रहे थे। एक तो हमें इसको ध्यान रखना है। इसमें दो प्रॉब्लम हमें दिखती है कि उस समय की ज़्यादातर जो चर्चाओं में निकल के आता है, एक तो हमारे देश की राष्ट्र निर्माण की बात है कि भाई देश का निर्माण कैसे होगा, नंबर दो पे हमारे कि भाई सामाजिक और आर्थिक विकास हमारे देश का क्यों होगा, क्योंकि भारत उस समय काफ़ी पिछड़े हुए देशों में से एक था। इन दोनों के बारे में गहनता से चर्चा कर लेते हैं ज़रा। तो राष्ट्र निर्माण में सबसे पहली बात हमारे ये था कि भाई हमारे देश में उस समय 565 देशी रियासतें थी, उन 565 रियासतों को एक साथ संजोना था, एकता के सूत्र में बांधता था, अखंड भारत को बनाना था। क्योंकि अंग्रेज़ों ने, आपने 12th क्लास में भी पढ़ा है, उसमें सीधा सीधा से बताया गया कि भाई अंग्रेज़ों ने डायरेक्टली ये ऑप्शन छोड़ा था देसी रियासतों पर, आप भारत के साथ मिलना चाहो तो भारत के साथ मिल सकते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं तो आप पाकिस्तान के साथ मिल सकते हैं, आप स्वैच्छिक है अपने इच्छाओं से, आप पे कोई भी दबाव नहीं डाल सकता। तो 565 रियासतों को किस प्रकार से ऐड किया जाएगा, उसमें से भी चार रियासत ऐसी थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद और मणिपुर, ये चारों के चारों विलय होने से बिल्कुल मना कर रही थी। इसके साथ भारत का आप देखेंगे, भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो जाना, ये भी भारत की एकता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी और बहुत बड़ा खतरा था ये भी। तो ये काफ़ी लंबे समय से भारत में, और इसके बाद साथ ही साथ भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास कैसे इसको बढ़ावा दिया जाए, इसके लिए भी बहुत ज़्यादा था। भारत के अंदर उस समय समाज में बहुत ज़्यादा भेदभाव था, भेदभाव के कारण जो लोग थे एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे की सहायता नहीं करते थे, मानवता को कोई भी प्राथमिकता नहीं देता था। ये कुछ दृष्टिगोचर हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है कि भाई ये कुछ समस्याएँ थी, ये हाईलाइटिंग समस्याएँ। अब हम ये बात करेंगे इसके अंदर कि भाई आज़ादी के बाद ऐसी कौन कौन सी विकास की हमारी परिभाषाएँ प्रचलित हुई है, या विकास की क्या क्या परिभाषाएं हो सकती है। डायरेक्टली आपको मैं दो परिभाषाएं दूंगा विकास की, डेवलपमेंट की, जो आपको डायरेक्टली समझ लेना है, और वो इसके अंदर नहीं लिखी है, वो बिल्कुल इजी है, आप उसको लिख लेंगे डायरेक्टली। सबसे पहली है कि भाई जब व्यक्तियों के विकल्पों में, ऑप्शंस में विकल्पों में वृद्धि हो जाती है ना, तो ह्यूमन का विकास और ह्यूमन का डेवलपमेंट जो है वो होने लगता है। जैसे मेरे को पहले मार्केट जाना था, तो भाई मार्केट जाने के लिए पहले मेरे पास एक ऑप्शन था कि भाई मैं पैदल जाऊँ, फिर मैंने क्या किया, मैंने साइकिल ली, फिर मैंने साइकिल लेने के बाद फिर मैंने बाइक ली, बाइक लेने के बाद स्कूटी ली, स्कूटी लेने के बाद फिर मैंने कार ले ली। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे फिर मेरे पास बस हो गई, तो ऑप्शन जैसे जैसे मेरे बढ़ रहे हैं। ऑप्शन बढ़ने का मतलब क्या है, इस ऑप्शन बढ़ने का मतलब यह है कि भाई मेरा डेवलपमेंट है वो बढ़ रहा है। सबसे पहली परिभाषा तो ये है। ये परिभाषा किसने दी थी, महबूब उल हक, ये मुस्लिम थे जो कि पाकिस्तान के थे, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक तरह के हेड थे। जब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सप्लेन कर रहे थे, जब कॉन्सेप्ट आया ही था, उस समय इन्होंने ही विकास की परिभाषा दी थी। इसके साथ साथ विकास की एक दूसरी परिभाषा आपको ये भी ध्यान रखनी है, जब व्यक्ति के जीवन स्तर का मतलब क्या है कि व्यक्ति के जब लाइफ स्टाइल में चेंजेस आने लगते हैं, लाइफ स्टाइल में लगातार बदलाव आने लगते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे भी हम विकास के रूप में ही परिभाषित करते हैं। अब हम बात करेंगे विकास के मॉडल के बारे में। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने एक सबसे पहली चीज़ आपको ट्रूमैन सिद्धांत ध्यान रखना है। अब ये ट्रूमैन सिद्धांत क्या था, ज़रा इसको ज़रा समझिए। ट्रूमैन सिद्धांत जो है, ये ट्रूमैन जो थे ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और 1947 में ही उन्होंने एक सिद्धांत दिया था, उसमें कहा था कि पूरी दुनिया में हम अपने कैपिटलिज्म पूंजीवाद को प्रसार करेंगे और पूंजीवाद को बढ़ावा देंगे। तो पूंजीवाद पहला ऑप्शन था डेवलपमेंट का। पूंजीवाद के अंदर क्या ऑप्शन होता है, पूंजीवाद के अंदर जो सेक्टर्स होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, प्राइवेट कंपनीज होती है, सरकार के हाथ में शासन प्रशासन, लोगों के रोज़गार और लोगों के वेलफेयर के लिए यानी जन कल्याण के लिए कार्य करने होते हैं।
तो ये कुछ मेजर्सली काम थे जो उनको करना पड़ता है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरा जो ऑप्शन था ये सोवियत संघ का किसका था, समाजवादी मॉडल। समाजवादी मॉडल में क्या होता है कि जो सरकार का स्वामित्व होता है, इसमें क्या होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। साथ ही साथ इसमें हम देखते हैं कि भाई जनता को एक दृष्टि से देखा जाता है, सब एक बराबर होते हैं, कोई भी अमीर गरीब इसके अंदर नहीं होता। इसमें कम्युनिस्ट दल की प्रधानता में देखने को मिलती है, हालांकि आगे चलकर ये ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, ये अलग कॉन्सेप्ट है। तो इसके बाद इसके आते हैं कि अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने मिश्रित अर्थव्यवस्था का आता है, ये थर्ड ऑप्शन है। ये थर्ड ऑप्शन भारत ने निकाला है, जिसमें क्योंकि भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ था, दोनों अर्थव्यवस्थाएं कैपिटलिज्म भी और सोशलिज्म भी, ये दोनों के दोनों टॉप पे थी और दोनों के दोनों जो थी विकास के लिए सर्वोच्च मानी जा रही थी। तो भारत ने अगर कैपिटलिज्म को अपना लिया था मान के चलो, तो वो सोशलिज्म के फ़ायदे से रह जाता, और सोशलिज्म को अपना लेता तो कैपिटलिज्म के फ़ायदे से रह जाता। इसीलिए भारत ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को जोड़कर एक नई अर्थव्यवस्था अपनाई, जिसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। इसमें प्राइवेट सेक्टर भी होता है, सरकार का हस्तक्षेप भी हमें देखने को मिलता है। तो ये कुछ मेजरली आप लोगों के लिए एक इंट्रो था। अब हम बात करेंगे योजनाओं के बारे में। तो इसके अंदर योजनाओं के बारे में बात करेंगे, फिर योजनाओं की कुछ समितियाँ आएंगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट भी, ये आपके एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है। आपको इसको प्रिपेयर करने टाइम आपको ध्यान रखना है, ये आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मार्क कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो योजना की संक्षिप्त विवरण, तो राष्ट्रीय योजना समिति, ये राष्ट्रीय योजना समिति क्या थी, कब बनी, कब कॉन्सेप्ट आया। तो राष्ट्रीय योजना समिति, इसका अगर नींव देखेंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में रखी गई थी। कब रखी गई, 1938 में। कब रखी गई, 1938 में। क्या नाम है, राष्ट्रीय योजना समिति। इस योजना समिति के कुछ उद्देश्य थे, जैसे भाई ज़रूरी सेवाएं जो हैं, जो उद्योग हैं, रेल है, यात्रा है, जलमार्ग है, इन सब पर योजना बनाने का काम इस समिति का रहे। नंबर दो पर कृषि, भारत से शुरू से ले इम्पॉर्टेंट रहा है, आज भी भारत में काफ़ी लोग जो ऐसे हैं जो कृषि करते हैं, कृषि प्रधान देश भारत शुरू से ही रहा है, तो इस वजह से कृषि व्यवस्था को भी ऊपर ऊंचा उठाना था इसलिए भी, और योजनाओं से लोगों को अच्छा लाभ मिले इस बात का ध्यान रखना था, लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी बेहतर हो। इसके बाद है आपका गांधीवादी मॉडल। गांधीवादी मॉडल के अंदर आपका क्या कॉन्सेप्ट निकल के सामने आता है, ज़रा आप इसको भी समझेंगे। गांधी वैसे कोई इकोनॉमिक्स नहीं थे, कोई अर्थशास्त्री नहीं थे, लेकिन इन्होंने भी अपना एक मॉडल रखा था, जैसे कि कुटीर उद्योग और ग्रामीण विकास का, क्योंकि शहर तो उद्योगों के कारण विकसित हो जाएंगे, शहर तो बाज़ारों के कारण विकसित हो जाएंगे, शहर तो व्यापारों के कारण विकसित हो जाएंगे, शहर तो प्रशासन के कारण विकसित हो जाएंगे, लेकिन ग्रामीण जो क्षेत्र है वो विकसित नहीं हो पाएगा। इसीलिए कृषि और अन्य प्रकार की जो ये व्यवस्थाएं हैं, इनका विकास करने के लिए लघु उद्योग यानी छोटे मोटे उद्योग लगाने होंगे, कृषि व्यवस्था में क्रांति लानी होगी। गांधी के साथ साथ में कुछ ऐसे विद्वान भी थे जिनका नाम था कुमारप्पा, इन्होंने भी इनके विकास के लिए काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाने का प्रयास किया, ताकि ये भी हमारे देश से, चौधरी चरण सिंह आगे चलकर 1970 के दशक में एक महत्वपूर्ण नेता बन के निकलते हैं। आज वर्तमान समय में महेंद्र सिंह टिकैत, जो कि चौधरी चरण सिंह के द्वारा बीकेयू क्या है, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना की गई थी, तो इसको लेकर आज आगे चल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी एक कॉन्सेप्ट है, ये बहुत बड़ा डील है जो हमें देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगली योजना क्या बनती है, हमारी अगली योजना बनती है बॉम्बे योजना। ये कब बनी, ये 1944 में बनी, आपको इसका ध्यान रखना है, 1944 में कुछ उद्योगपति इकट्ठा हुए बम्बई में, इसीलिए इसको बम्बई योजना कहा गया, ताकि भारत में आज़ादी से पहले ही की गई, ताकि इंडस्ट्रीज़ का यहाँ पर विकास किया जा सके, क्योंकि जिस भी देश में इंडस्ट्रीज़ नहीं है तो वहाँ पर डेवलपमेंट रेट अच्छा नहीं होगा, ये माना गया इस कारण से। इसके बाद आगे चल के योजना आयोग बनाया गया। योजना आयोग कब बना, मार्च 1950 में बना, और योजना आयोग जो है इसे संविधान के तहत सुरक्षा प्रदान की गई है कि इसका जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखना, जितनी भी योजनाएं बनती है कैबिनेट मिनिस्टर्स वगैरह है वो यही बनाते हैं, आगे चल के नीति आयोग बन गया है, इसके बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। आज की वीडियो आप लोगों के लिए इतनी है, आशा करता हूँ आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगी आज की वीडियो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
सो गाइज मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।